नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CMICS में। आज हम जो 13 जनवरी को टेस्ट हुआ है मॉड्यूल 5 का, उसका हम डिस्कशन करेंगे। उसके कुछ प्रश्नों का यहाँ हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। पेपर एथिक्स का था और हम यहाँ बड़े प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है, चार्वाकों का कथन है, एक चार्वाकों के अनुसार तात्कालिक मिलने वाला छोटा सुख भी बाद में मिलने वाले बड़े सुख से बेहतर होता है, इसकी समालोचना कीजिए। अकॉर्डिंग टू चार्वाक, इमीडिएट लिमिटेड हैप्पीनेस इज बेटर देन ग्रेट हैप्पीनेस लेटर, क्रिटिकली एग्जामिन। तो इस पर हमको चर्चा करनी है, इस पर हम चर्चा करते हैं। मेनली देखेंगे कि चार्वाक, जैसे इसको हम प्रश्न को समझें तो कथन है चार्वाकों का, और कथन क्या है उसके आधार, और उस कथन का पक्ष, कथन को समझा देंगे और उसकी समालोचना कर देंगे। तो ये ओवरऑल हमको यहाँ समझाना है। तो इंट्रोडक्शन, जो ये इस कथन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट का आधार क्या है, फिर जो इसमें समालोचना, जो इसमें मेन थीम है, इसका क्या मतलब कि तात्कालिक छोटा और दीर्घकालिक बड़ा सुख, तो इसमें आपका ये चार्वाक क्या क्लेम करना चाह रहे हैं, और उसकी समालोचना क्रिटिसिज्म। तो देखो, ये बहुत जरूरी है कि हम किसी भी प्रश्न को सही सब पार्ट में तोड़ें, क्योंकि जैसे ही अभ्यास करते करते ये ये हमको प्रैक्टिस हो जाती है कि जैसे ही प्रश्न पढ़ा और हम मन में ही सोच लेते हैं कि ये 4-5 सब हेडिंग में हम इनका उत्तर करेंगे। तो इंट्रोडक्शन बड़े प्रश्नों में करना ही करना है। हम लोग बार बार बोलते हैं कि आप 5 मार्कर में छोटे प्रश्नों में आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से बच सकते हैं, पर बड़े प्रश्नों में कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन एक सही शुरुआत देता है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता है, जिससे उस टॉपिक पर सरलता से एक समझ बनती है, और एक इंट्रोडक्शन प्रॉपर एक जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करता है। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में चार्वाक के बारे में लिखेंगे। चार्वाक एक नास्तिक और भौतिकवादी दर्शन है। नास्तिक क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करता है, और भौतिकवाद कि ये विश्व में कोई भी आध्यात्मिक शक्ति को स्वीकार नहीं करता। कारण ये है कि ये बोलते हैं, कारण इनकी ज्ञान मीमांसा, ये बोलते हैं प्रत्यक्ष ही ज्ञान है कि जो दिखता है वही मान्य है। ये बोलते हैं कि कोई भी ऐसी आध्यात्मिक शक्ति दिखती नहीं है तो वह नहीं है, चूंकि भौतिक जगत दिखता है इसलिए भौतिक जगत ही मान्य है। फिर इस इतने बड़े भौतिक जगत को चला कौन रहा है, तो ये क्लियर बोलते हैं कि ये एक यादृच्छिक रूप से पैदा हुआ और एक ये सिस्टम है, यांत्रिकतावाद है, एक मैकेनिकल या मैकेनाइजेशन सिस्टम है जो स्वतः एक बार स्टार्ट हो गया है और अब ये स्वतः गतिशील है, इस तरह का ये मानते हैं। इतनी डेप्थ में अपन नहीं जाएंगे, हम सीधा बोलेंगे नास्तिक है और भौतिकवादी है। तो ये इसका एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। नास्तिक मैंने बता ही दिया, वेदों को नहीं मानते हैं, भौतिकवाद जो इस जगत में ही विश्वास करते हैं, यह लौकिक या कोई भी आध्यात्मिक शक्ति को, स्पिरिचुअल पावर को नहीं मानते हैं। अब इस कथन के कहने के पीछे उनका कौन सा सिद्धांत है, सुखवाद, हेडोनिज्म। सुखवाद क्या कहता है, सुखवाद में ये क्लेम करते हैं कि जीवन का उद्देश्य ही सुख भोगना है, वह प्रत्येक कार्य अनैतिक है जो दुख पैदा करता है, कष्ट पैदा करता है, वह प्रत्येक कार्य नैतिक है जो सुख पैदा करता है या सुख प्रदान करता है। यहां जैसे ये इसमें लिखा गया है कि सुख नैतिक है और दुख अनैतिक है। इवन जैसे कई दार्शनिक या ज्यादातर संप्रदाय उत्कृष्ट और निकृष्ट सुखवाद में भी अंतर करते हैं। जैसे उत्कृष्ट सुख होता है मानसिक सुख या मानसिक शांति, कैसे कि जैसे हमने किसी के लिए अगर कष्ट भी सहन किया और कष्ट सहन करके किसी को कुछ फायदा हुआ तो हम मानसिक रूप से संतुष्ट हुए, मानसिक सुख प्राप्त हुआ, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर माना गया है कि मानसिक सुख, मेंटल हैप्पीनेस इज बेटर देन या इज सुपीरियर देन फिजिकल हैप्पीनेस या फिजिकल
जो भी फिजिकल प्लेजर इस तरह की चीजें कि भाई शारीरिक सुख निकृष्ट है मानसिक सुख की तुलना में, तो यहां ये यहां चार्वाक इसमें भी अंतर नहीं करते हैं, ये तो बोलते हैं कि भैया सुख भोगना चाहिए, चाहे जिस भी तरह से सुख मिले। आधार क्या है भाई, ऐसा इन्होंने क्यों सोच लिया, और एकमात्र ये संप्रदाय जो इस तरह का क्लेम करता है, तो इस सोच के पीछे कोई तो कारण रहा होगा इनका। इनका कारण है कि ये आत्मा को नहीं मानते, ये मानते हैं कि शरीर कुछ तत्वों से मिला हुआ एक यांत्रिक मशीन है जो स्वतः स्टार्ट हुई है और एक दिन ये समाप्त होगा। आत्मा को नहीं मानते तो ये पुनर्जन्म को भी नहीं मानते, क्योंकि जब आत्मा ही तो पुनर्जन्म लेती है, तो जब आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म नहीं है, और जब पुनर्जन्म नहीं है तो कर्म नियम भी नहीं है, क्योंकि आत्मा में कर्म संचयित होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, ठीक है, और उन्हीं के आधार पर आत्मा अजर अमर होती है, या आत्मा दूसरे शरीर को धारण करती है उन्हीं कर्मों के आधार पर। ये कर्म, ये लॉ ऑफ कर्मा या कर्म नियम कहता है, और उसी उन्हीं कर्मों के आधार पर आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है, ठीक है। तो जब ये इस सिस्टम को ही नहीं मानते तो ये तो फ्यूचर, ये तो सीधा बोलते हैं मृत्यु ही मोक्ष है, ठीक है, कि भाई अगर मृत्यु शरीर की हो गई है उससे शरीर, क्योंकि आत्मा तो मानते नहीं है, जो अजर अमर हम लोग मानते हैं कि शरीर नष्ट हो गया फिर भी आत्मा अजर अमर है, आत्मा बनी हुई है, तो ये उसको मानते नहीं है, इसलिए क्लियर बोलते हैं मृत्यु ही मोक्ष है, ठीक है। कर्म नियम को मानते नहीं है, और जैसा कि मैंने कहा कि आत्मा और कर्म नियम को नहीं मानने के क्रम में ये पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। अब इस पर ये कहना क्या चाहते हैं, तात्कालिक छोटा सुख बनाम दीर्घकालिक बड़ा सुख। तात्कालिक छोटा सुख कि अभी जो क्षणिक फायदा हो रहा है, कई बार हम लोग देखते हैं या ऐसा अब एथिक्स में या जनरल बातों में सुनने में आता है कि तात्कालिक छोटे सुख की बजाय दीर्घकालिक बड़ा सुख देखना चाहिए, ठीक है। ये बोलते हैं कि नहीं, आप भविष्य में क्या होगा कैसा होगा वो सब छोड़ो, आपका उद्देश्य है सुख भोगना, तो आप सुख भोगिए, चाहे वो वर्तमान में छोटा हो या कैसा भी हो। इसको एक चार्वाक दर्शन में एक उदाहरण से भी समझाते हैं कि वर्तमान में मिला कबूतर इस वजह से नहीं छोड़ना चाहिए कि कल मोर मिलेगा, मतलब वो शिकार की दृष्टि से बताते हैं कि अगर वर्तमान में छोटा शिकार मिला है तो हमें इसे भी उपभोग करना चाहिए, और भविष्य में कि भाई ऐसा नहीं कि नहीं यार ठीक है इसको छोड़ते हैं, कल बड़ा शिकार मिलेगा या कबूतर मिलेगा, तो मतलब यहाँ मोर मिलेगा, तो यहाँ कबूतर को ये छोटे सुख और तात्कालिक सुख के रूप में, और जो बड़ा, ये इनका क्लियर कथन है जो इनका दर्शन है उसमें ये पढ़ने को मिलता है। तो अब उसमें हम देखते हैं कि ये ऐसा क्यों कहते हैं, तात्कालिक छोटा सुख और दीर्घकालिक बड़ा सुख। इसका आधार है क्योंकि ये सिर्फ वर्तमान को मानते हैं, सिर्फ वर्तमान को मानते हैं, ये बोलते हैं वर्तमान ही सत्य है, वर्तमान ही दिखता है, क्यों, क्योंकि प्रत्यक्ष ही ज्ञान है, और हमको कौन दिख रहा है, वर्तमान। वर्तमान में क्या दिख रहा है, सिर्फ हमको प्रत्यक्ष वर्तमान हो रहा है, इसलिए वर्तमान ही सत्य है। अब भविष्य में कोई बड़ा सुख मिलेगा या क्या कुछ होगा इस पे आप छोड़िए, आप ये देखिए कि अगर तात्कालिक वर्तमान में छोटा सुख भी है तो इसका उपभोग कीजिए, आप सुखों में हायरार्की मत रखिए, ये इस तरह का यहाँ क्लेम करते हैं। तो क्यों मानते हैं ऐसा, क्योंकि ये बोलते हैं आज ही सब कुछ है, जो कुछ है वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जीते हैं, भौतिकवादी हैं, ठीक है। ये क्लेम करते हैं कि इस तरह से नहीं जीना चाहिए कि वर्तमान में, जैसे ज्यादातर नीति शास्त्रों में ज्यादातर ग्रंथों में लिखा है कि आप अपने जीवन में संयमित रहिए, कंट्रोल्ड वे में रहिए, अच्छे कर्मों का पालन कीजिए, अनुशासित रहिए, सबका ध्यान दीजिए, ताकि आपके अच्छे कर्म संचयित होंगे और आपको मोक्ष प्राप्त होगी या आपका उद्धार होगा। तो ये बोलते हैं कि क्या उद्धार होगा, किस तरह का, तो बोलते हैं कि भाई स्वर्ग प्राप्ति होगी, ये क्लेम करते हैं चार्वाक ऐसा कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी। स्वर्ग में क्या होगा कि भाई आपको सभी तरह के सुख मिलेंगे, परम आनंद या सभी तरह की सुख सुविधाएं मिलेंगी, तो ये बोलते हैं।
तो इसके लिए क्या कि भाई कल को स्वर्ग मिलेगा, सुख मिलेगा, इसलिए वर्तमान में आप अपने मन के अनुसार मत कीजिए। जो नैतिक व्यवस्था बोलती है, जो नैतिक व्यवस्था बोलती है या जो डूज और डोंट्स बताए गए हैं किसमें, अलग अलग नीति शास्त्रों में या अलग अलग धर्म या संप्रदाय में, वो उसको आप फॉलो कीजिए। अनुशासित रहिए, किसी को कष्ट मत दीजिए, है ना, इस तरह की अपनी ऐसी मतलब स्वतंत्रता ठीक है, पर स्वच्छंदता में मत जिए, है ना, आप जीवन व्यतीत ना करें, इस तरह का। तो ये बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं, ये भाई ज़्यादातर संप्रदाय, ज़्यादातर धर्म इन बातों का समर्थन करते हैं कि वर्तमान आप संयमित रहें, अनुशासित रहें, ताकि आपके कर्म अच्छे रहें और कल को आपका मोक्ष प्राप्त हो। ये इसका विरोध करते हैं, ये बोलते हैं नहीं, जो मृत्यु के बाद तो कुछ होना ही नहीं है, और जो मृत्यु के बाद जो सुख या दूर का सुख आप दिखा रहे हो वो तो हमको मिलना ही नहीं है, इसलिए तब भोगने की बजाय क्यों ना अब भोगा जाए। चार्वाक इस क्लेम को करते हैं। ये कर्मों के निवेश में तो विश्वास ही नहीं करते, मतलब देखो पहला पॉइंट ये है कि क्यों मानते हैं तात्कालिक छोटा सुख भी महत्वपूर्ण है, तात्कालिक छोटा सुख भी महत्वपूर्ण है, पहला कि वर्तमान में जीते हैं, ये भूत और भविष्य को तो मानते ही नहीं है, ठीक है, तो वर्तमान में क्या है, तात्कालिक सुख, तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बोलते हैं। दूसरी बात कि स्वर्ग मोक्ष या आपको उद्धार होगा अच्छे कर्मों से, इसको ये नहीं मानते हैं, क्यों, क्योंकि ये मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है। ये निवेश यानी कि आज अच्छे कर्म करेंगे कल को अच्छी स्थिति होगी, सुख प्राप्ति होगी, इसमें ये विश्वास ही नहीं करते, ठीक है। श्रेष्ठ जन्म होगा तो भाई आज आप अच्छे कर्मों में निवेश कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, उसका आपको लाभ मिलेगा और आपको श्रेष्ठ जन्म अच्छी योनि में आप पैदा होंगे, इसको भी ये नहीं मानते हैं। जो चार पुरुषार्थ माने गए हैं इसमें ये दो को मानते हैं, काम को और अर्थ को, ठीक है। काम लक्ष्य है, मतलब एंड है, और अर्थ मीन है या साधन है, ठीक है। तो ये एंड है और ये मीन है, ठीक है। तो ये दो को ही मानते हैं, धर्म और मोक्ष को तो ये मानते ही नहीं। मोक्ष को ये बोलते हैं कि मृत्यु ही मोक्ष है, धर्म यानी कि अच्छे उपदेशों का समुच्चय, मतलब जहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था, नैतिक तर्क होते हैं, नैतिक शिक्षाएं होती हैं, उसको ये नहीं मानते। तो ये तो हुआ अब तक कि चार्वाकों ने ये क्यों कहा, इस कथन का आधार, इस कथन का समर्थन। अब उन्होंने बोला है प्रश्न में कि समालोचना, कि अब आप इसके विपक्ष में तर्क बताइए, अगर है तो इसमें बहुत है तर्क, तो समालोचना इसकी या क्रिटिसिज्म इसका क्या है कि समाज में एक मॉरल ऑर्डर जरूरी है, एक नैतिक व्यवस्था जरूरी है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होगा तो स्वच्छंदता या रोमानेंट या स्वच्छंदता जो होती है अनियंत्रित स्वतंत्रता, ठीक है, लिमिटलेस फ्रीडम कि कुछ भी करने की स्वतंत्रता, तो रोमांटिसिज्म, ठीक है। अगर नैतिक व्यवस्था नहीं होगी, लोग स्वच्छंदता से जिएंगे तो समाज में अराजकता, अराजकता मतलब, अराजकता का मेन मतलब होता है कि स्टेट नहीं है, ठीक है। अराजकतावादी बोला जाता है कि जो स्टेट का विरोध करते हैं, राज्य का विरोध करते हैं। यहाँ हम इस संदर्भ में ले रहे हैं कि केंद्रीय व्यवस्था नहीं होगी, एक समाज में सेंट्रल डिसिप्लिन अनुशासन, एक सेंट्रल ऑर्डर नहीं होगा, एक सोशल ऑर्डर नहीं होगा, तो अराजकता होगी, अराजकता की स्थिति होगी जो सभी के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। एक की खुशी बनाम सभी की खुशी, ये इस सिद्धांत को, ये एक की खुशी या व्यक्तिगत पर बहुत ज़्यादा बल देता है बजाय कि सभी पे, जैसे सभी उपयोगितावाद हम लोग पढ़ते हैं कि सभी का हित वही कार्य करने चाहिए जिसमें सभी का हित या अधिकतर का हित, ठीक है, सभी नहीं तो अधिकतम लोगों का हित साधा जा सके। तो ये वन सेल्फ या
इंडिविजुअल पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, जो एक समाज में, क्योंकि समाज व्यक्तियों का समूह है, तो उसमें ये चीजें डिजायरेबल नहीं है या मान्य नहीं है। अगला पॉइंट है, ये एक हो गया कि नैतिक व्यवस्था के लिए ये इनका कथन सही नहीं है। दूसरा है कष्ट संघर्ष मेहनत। भाई ये बोलते हैं कि हमको तो वर्तमान में तात्कालिक सुख भी चलेगा, ठीक है, हम भविष्य के सुख क्या नहीं देख रहे हैं, कौन चारवाक। तो यहाँ उसके आर्ग्यूमेंट, उसके विरोध में तर्क है कि वर्तमान का कष्ट, अगर हम कोई मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, कुछ स्ट्रगल संघर्ष कर रहे हैं, तो ये भविष्य में आने वाले बहुत बड़े सुख की नींव है, आधार है, ठीक है, ये बड़े सुख की तैयारी है। और कष्ट या संघर्ष एक रिलेटिव है। जैसे आज अगर कोई परीक्षा के लिए मेहनत कर रहा है तो वह उस खुशी से ओतप्रोत है कि कल को रिजल्ट आएगा और बहुत बढ़िया पद मिलेगा या सफलता मिलेगी। तो ये कष्ट और बड़ा सुख दोनों रिलेटिव हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। मतलब सुख की डेफिनेशन ही कष्ट के साथ है। अगर हैप्पीनेस को हम डिफाइन करते हैं तो वो स्ट्रगल या सोरो या जो भी है सफरिंग, उसके बिना हम हैप्पीनेस को या सक्सेस को डिफाइन भी नहीं कर सकते। तो क्या क्या आर्ग्यूमेंट हुआ ओवरऑल? पहला तो एथिकल ऑर्डर या मॉरल ऑर्डर के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, ये रिलेटिव टर्म्स हैं दोनों, ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि केवल सुख अस्तित्व में रहेगा, ये पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। तीसरा, कि अगर तीसरा पॉइंट देखें तो मनुष्य, जैसे ये फर्स्ट से ही मिलता जुलता है, कि इससे अराजकता फैलेगी और अंततः सभी जगह सुख समाप्त हो जाएगा। कि अगर सुख ही सुख हर व्यक्ति चाहेगा तो किसी का सुख दूसरे के लिए कष्ट पैदा हो सकता है। मतलब देयर इज ए लिमिट कि आपके सुख की जहां सीमा या एक सीमा से ज्यादा सुख आप चाह रहे हो या कुछ महत्वाकांक्षा आपकी है, तो हो सकता है किसी दूसरे के लिए कष्ट का कारण बने, ठीक है। समन्वय, सद्भाव, समरसता, ये चीजें समाज में, अगर समाज को आपको बनाए रखना है, कंटिन्यूस बनाए रखना है या समाज को स्मूथली चलाना है, तो हमको सुख ही नहीं, एक कुछ त्याग भी करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ चीजें सीमित भी रखनी पड़ेगी, कुछ जगह कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। तो हम क्लियर कंक्लूड कर सकते हैं इस वे में कि समाज में समन्वय, सुख, समृद्धि बनाए रखने के लिए केवल सुखवाद पर नहीं चला जा सकता। और सुखवाद खुद में एक रिलेटिव टर्म है जो संघर्ष, मेहनत, कष्ट या जिस भी चीज को चारवाकों ने दुख माना है उसके रिलेटिव है। तो हम ओवरऑल कंक्लूड ये कर सकते हैं। तो एक बार मैं इसकी समरी बता दूं आपको कि सवाल में था तात्कालिक छोटा सुख बनाम बाद का बड़ा सुख। हमने इंट्रोडक्शन दिया चारवाकों का, क्योंकि बिकॉज चारवाक पे बेस्ड या चारवाकों का ये सिद्धांत है। फिर हमने बताया कि ऐसा चारवाकों ने क्यों कहा, तो हेडोनिज्म के कारण या सुखवाद के कारण, क्योंकि वो उनका ये प्रमुख सिद्धांत है जिसमें वो केवल सुख पर महत्व देते हैं। आधार क्या था इस हेडोनिज्म का या सुखवाद का? क्योंकि वो आत्मा या लॉ ऑफ सोल या लॉ ऑफ कर्मा को नहीं मानते हैं। फिर क्या कहना चाहते हैं तात्कालिक और ये इनके पीछे क्या आधार है या इनसे उनका मतलब क्या है या ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो मानते हैं कि प्रेजेंट ही सब कुछ है, ठीक है, भविष्य में क्या होगा, कल को बड़ा सुख मिलेगा, ये वो नहीं मानते हैं, ठीक है। वो मानते हैं कि वर्तमान में जो आपने भोगा है वही सत्य है, क्योंकि वही हमको अनुभव हो रहा है, वही दिख रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि वर्तमान में कष्ट भोगना, क्योंकि भविष्य में सुख मिलेगा, ये मान्य नहीं है।
वो मानते ही नहीं है कि हमारे कर्म निवेश हैं जिससे कल को अच्छी स्थिति पैदा होगी, ये वो नहीं मानते हैं। क्यों क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि वो चार ही पुरुषार्थ मानते हैं जो माने गए हैं, चार पुरुषार्थ, उनमें अर्थ जो जो मीन है, जो साधन है, किसका, काम या सुख प्राप्ति का। और समालोचना, हमने कहा कि ये नैतिक व्यवस्था या समाज में, ये समाज की समग्रता टोटलिटी में सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि समाज ऐसा ही समाज चल सकता है जिसमें समन्वय, सद्भाव, एक दूसरे के प्रति त्याग, समर्पण हो, वही समाज चल सकता है, और वह सुखवाद आधारित समाज हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है, राइट द फीचर्स ऑफ सिटीजन चार्टर एंड द ऑब्स्टिकल इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। बहुत कॉमन सा प्रश्न है। इस प्रश्न के आने की या इसके पॉइंटों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उपयोग में आने की बहुत संभावना है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तुलनात्मक रूप से सरल उत्तर, सरल प्रश्न है। देखो, एक चीज हम देखते हैं, जैसे कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर प्रश्न कठिन पूछा गया है। जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर कई बार आपके प्रश्न क्वेश्चन कठिन होते हैं। ठीक है, प्रश्न कठिन होते हैं, तो उसके पीछे क्या तर्क होता है? जैसे मान लो हमने पूछा, गरीबी पे प्रश्न पूछना है, तो जैसे पूछा कि गरीबी के कारण बताइए, तो ठीक है, ये सभी मानते हैं कि ये इजी प्रश्न है, इसका उत्तर देना तुलनात्मक रूप से आसान है। लेकिन हमने पूछा कि क्या गरीबी कभी समाप्त की जा सकती है, या इस तरह से कथन दिया कि गरीबी कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, आप आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, तो आपको पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट पता होगा पूरा, तब जाके एक एडवांस्ड जो स्टेज है कि भाई पॉवर्टी कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती सोसाइटी से, तो उस कथन का आप एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, तो ज्यादातर हमारा मोटिव होता है कि आपने बेसिक पढ़ा है और आप एक एडवांस स्टेज पर, थोड़ा सा एडवांस स्टेज पर, अब ऐसा भी नहीं, लोग बोलते हैं कि यूपीएससी लेवल के पूछते हो, और उस तरह का यूपीएससी लेवल एक अलग होता है। ठीक है, उसमें एक ओवरऑल और या आपके विचार, आपकी सोच पर बहुत ज़्यादा बल होता है कि आप किस तरह के विचार रखते हैं इस टॉपिक पर, या आपकी अवधारणा कैसी है, या आपको जब ये प्रश्न दे दिया गया है तो तुरंत विश्लेषण करने की क्षमता आपकी कैसी है। यहाँ मैं मानता हूँ कुछ अभी हाल ही में कुछ जो विगत कुछ परीक्षाएं हुई हैं उनमें व्यापक ट्रेंड चेंज हुआ है कि अब यहाँ भी कुछ प्रश्न ऐसे आने लगे हैं, पर फिर भी मैं मानता हूँ कि भाई मेमोरी बेस्ड थोड़े से प्रश्न होते हैं, तो ऐसा नहीं कि बहुत टफ यूपीएससी जैसे होते हैं, बट हम मानते हैं स्लाइटली एडवांस्ड, ताकि आपने जो ये समझा है पॉवर्टी का, इसका एप्लीकेशन या आप सोचकर कुछ लिख पाए, ताकि एग्जाम में मान लो केवल सरल सवाल भी आता है, जैसे ये वाला कि भाई सिटीजन चार्टर के विशेषताएं बताइए और इसकी प्राप्ति में होने वाली बाधाएं लिखिए, तो आप कुछ एक दो पॉइंट ऐसे लिख सको जो यहां कॉमन नोट्स में नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ सोचने की क्षमता विकसित करने का हम प्रयास करते हैं, क्योंकि देखो ये मेरा पूरा विश्वास है कि टेस्ट जब हम देते हैं तो हमको ऐसा फील होना चाहिए कि कुछ मानसिक एक्सरसाइज हुई है, हमने कुछ चीज़ें बनाई हैं, कुछ नया सोचने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हम वहाँ से पढ़ के आए और एज इट इज़ यहाँ छापने में सफल रहे या नहीं रहे, तो ये छपाई खाना एग्ज़ाम में नहीं चलता है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब 6 दिन में पूरा सिलेबस हमको कैरी करना पड़ता है, तो कैरी करना तो संभव ही नहीं है। हम कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक फैक्ट जो ठीक ठाक हैं और इम्पोर्टेंट है, और जो हमारे समझने या तैयारी करने के दौरान हमने इंटरनलाइज कर लिए हैं, वो फैक्ट या वो समझ हम एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ उत्तर बनाने की
खूब अभ्यास किया, रटके छापने का नहीं बनाने का अभ्यास किया, तो हम बहुत बढ़िया सफल हो सकते हैं और सफल होने के चांस ज्यादा हैं। तो उस तुलना में मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में ये बताना चाह रहा था कि ये प्रश्न इजी है, ठीक है, पिछला वाला हो सकता था किसी को कठिन लगा हो, और इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट सवाल आएंगे, ठीक है, और इसके जो पॉइंट है वो आपको हेल्पफुल मिले, हेल्पफुल रहेंगे। तो पर इन इजी प्रश्नों में क्या होता है कि हम थोड़े से प्लस पॉइंट लिख दें या थोड़े से खुद के पॉइंट लिख दें तो नंबर आने की संभावना ठीक ठाक रहती है, नहीं तो ज्यादातर क्या होता है इजी प्रश्नों में अगर हमारा आंसर नॉर्मल है तो नंबर भी एवरेज या ठीक ठाक ही आएंगे, कोई प्लस एडवांटेज नहीं मिलेगा इसमें। और अगर हमारे पॉइंट थोड़े स्पेशल हैं या यूं कहें इंडिविजुअल पॉइंट्स हैं कुछ, तो हमारा एडवांटेज रहेगा और हम कुछ प्लस दे पाएंगे, ठीक है, इस प्रश्न में कुछ प्लस स्कोर कर पाएंगे। देखो खेल तो इतना ही है कि हर प्रश्न में हम पीछे ना हो, भाई अगर आगे ना बढ़े तो कंपटीशन में पीछे ना हो, दूसरी बात कुछ प्रश्नों में हम एडिशनल स्कोर कर लें ताकि हमारा लिस्ट में नाम इंश्योर हो जाए। तो पूरा प्रोसेस ये है, तो इन नॉर्मल प्रश्नों में आप थोड़े अच्छे पॉइंट बनाने का प्रयास करें, उसका अभ्यास करें। वही इंट्रोडक्शन में जो थीम है प्रश्न की वो सिटीजन चार्टर है, नागरिक घोषणा पत्र है, उस पर हम लिखेंगे। उन्होंने पूछा ही है कि विशेषता लिखिए, और उन्होंने पूछा है कि क्या बाधाएं हैं, वो बाधाएं लिखिए। अब देखो बाधाएं अगर उन्होंने लास्ट में पूछी है तो हमको सुझाव भी देने चाहिए, क्योंकि सामान्यतः ऐसा बोला जाता है कि ठीक है कंक्लूजन में ही सजेशन दे दो, ठीक है, और सामान्यतः बोला जाता है कि पॉजिटिव एंड के साथ या एक ठीक ठाक समग्रता के साथ आंसर को बांधो, ठीक है। तो वही इसमें हम देखते हैं अब कि क्या क्या पॉइंट है। परिचय में घोषणा पत्र को हम डिफाइन करेंगे, क्या है ये, एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये एक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। क्या डॉक्यूमेंट है भाई, संगठन की प्रतिबद्धता दिखाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट दिखाता है, ठीक है, किसके लिए कमिटमेंट दिखाता है, ये कमिटमेंट दिखाता है सेवा और शिकायत निवारण प्रणाली के, जो वो संगठन जो सेवाएं दे रहा है उनमें क्या वह मानकीय सेवा हो, एक स्टैंडर्ड सेवा हो, बिलो स्टैंडर्ड ना हो, समय पर मिले और गुणवत्ता पूर्ण हो, ठीक है, और शिकायत निवारण, अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप उस सेवा उस सर्विसेज प्रोसेस की शिकायत यहां पर कर सको और आपका शिकायत के संबंध में प्रतिक्रिया मिले या उत्तर मिले। तो क्या है ओवरऑल, एक डॉक्यूमेंट है जिसको सभी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए। क्या क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो सर्विसेज दे रही हैं उसमें गुणवत्ता मेंटेन हो, क्वालिटी मेंटेन हो, टाइम पर हो, जो SOPs हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो सेवा हो, तो सेवाओं को गुणवत्तापूर्ण, समय अनुकूल, सक्षम है ना, अनुकूल बनाए रखने के लिए ये डॉक्यूमेंटेशन होता है, ये डॉक्यूमेंट होता है। और अगर आपको इस कुछ सेवाओं के प्रोसेस में दिक्कत है तो आप फीडबैक दे सकें ताकि ये फ्यूचर में ये सेवाएं सुधरें, इनमें जो कमी है वो कमियों को सुधारा जा सके, उस लिए क्या ग्रीवेंसेज रिड्रेशल मैकेनिज्म या शिकायत निवारण तंत्र वहाँ पर विकसित होता है और उसके बारे में पूरी सूचनाएं होती हैं, ठीक। तो आप इस तरह से ये कुछ शब्द, देखो हम एज इट इज डेफिनेशन नहीं रट के जा सकते, हमको कुछ मोटा मोटा आइडिया रहेगा कि घोषणा पत्र क्या, खुद हमको ही लग रहा है कि एक डॉक्यूमेंट है, पत्र है, क्या करेंगे इस पत्र में कि जो भी संस्था जिस भी तरह की सेवाएं देता है उन सेवाओं के बारे में बताएगा कि इस समय ये सेवा है तो ये इस समय में, जैसे मान लो कलेक्ट्रेट, तो कलेक्ट्रेट में कि भाई एक रजिस्ट्री कराने का टाइम ये है,
इतने टाइम में आपको रजिस्ट्री मिल जाएगी, कोई शिकायत आपने की है तो उस शिकायत का इतने समय में समाधान हो जाएगा, ये सब चीज़ें इसमें हैं। और अगर आपकी कोई शिकायत हो तो शिकायत का हम यहाँ निवारण कर सकते हैं। विशेषताएं क्या 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 इसकी इस घोषणा पत्र की विशेषताएं होनी चाहिए, स्पष्ट मानक सूचित किए गए हों कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ये मानक हैं और इस स्टैंडर्ड की हमारी सर्विसेज की गुणवत्ता होगी, ये स्पष्ट क्लियर स्टैंडर्ड्स हों, पर्याप्त सूचना एडिक्वेट इंफॉर्मेशन हो, किसी भी चीज के बारे में कोई हिडन या अस्पष्ट पद्धति प्रक्रिया ना हो, आपको पर्याप्त सूचना दी गई है, लाभार्थी नहीं ग्राहक, मतलब जनता को लाभार्थी नहीं कि इसको लाभ मिल रहा है इसलिए इसकी गरज है या इसको पढ़िए कि ये सेवाएं लें या ये बार बार उस चीज़ के लिए आए क्योंकि ये लाभार्थी है, बल्कि ग्राहक की तरह ट्रीट करें, कस्टमर की तरह ट्रीट करें, बेनिफिशरीज नहीं कस्टमर्स की तरह ट्रीट करें, उससे क्या जैसे कस्टमर्स के लिए सभी सुख सुविधाओं और सभी मतलब सुगमता कि सब चीज़ें स्मूथ हो, ठीक है, फील गुड टाइप माहौल हो, उस तरह का लगना चाहिए, कम लागत हो, प्रोसेस इस तरह का डिज़ाइन हो कि उसकी कॉस्ट कम हो, समय पर हो, टाइम पर हो, वादे एंड और वास्तविकता, प्रॉमिस और रियलिटी, मतलब सिर्फ वादे या कथन ना हो, बोल वचन ना हो, वहाँ वास्तविकता में वो चीज़ें हो भी, जैसे कई बार हम बोलते हैं कि मूल कर्तव्य हैं जो आदर्श हैं उनको लागू करना बड़ा कठिन, तो इस तरह का मतलब एक ऐसा नहीं कि बहुत आदर्श चीज़ें हों जो प्रैक्टिकल है व्यवहारिक है वही चीज़ें लिखी हों जो इम्प्लीमेंट की जा सके। प्रशासनिक दक्षता, वहाँ के जो वर्किंग स्टाफ है जो भी स्टाफ है वहाँ पर वो दक्षतापूर्ण कार्य करे, वो इस तरह का प्रोसेस डिज़ाइन हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का ध्यान रखा जाए, सभी स्टेक होल्डर्स ऑल स्टेक होल्डर्स या हितधारकों का ध्यान रखा जाना चाहिए, सभी तरह के महिलाएं, बुजुर्ग, ट्रांसजेंडर्स, सभी लोगों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इन पॉइंट्स का अगर हम विस्तार करते हैं और एग्जाम्पल देते हैं तो हमारा पर्याप्त उत्तर बनेगा। और यहां पर मैं सिर्फ ये भी कहना चाहता हूं कि इसी तरह हमको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि शॉर्ट नोट्स आपको बनानी ही चाहिए क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट टाइम में, जैसे देखो अगर अभी खूब समय है तो हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, इनमें से कुछ ही पॉइंट हम एग्ज़ाम हॉल तक कैरी कर पाएंगे या रिकॉल कर पाएंगे, तो आप ये क्लियर माने और ये स्पष्टता से समझें कि जिस पॉइंट को हमने यहाँ खूब पढ़ा है और एग्ज़ाम में उससे संबंधित प्रश्न आया है, क्वेश्चन पूछा है, अगर हम उसको नहीं बता पाए तो उसका पढ़ने का ज़्यादा कोई महत्व नहीं, क्योंकि यहाँ हम एग्ज़ाम ओरिएंटेशन से पढ़ रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि आज जब हम फैल के पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को समग्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ एक दिन में पूरा पेपर हमको रिवाइज करना है, पूरा पेपर रिवाइज करना है, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बनानी ही पड़ेंगे। देखो क्या है, अगर हमारे पास शॉर्ट नोट्स हैं, स्पीड है, फॉर्मेटिंग हमको आती है, या फॉर्मेटिंग से मतलब है कि हम सब हेडिंग या सब पार्ट में आंसर को तोड़ लेते हैं, और हमारे पास आंसर बनाने की यानी कि आर्ग्यूमेंट फॉर्मेशन कैपेबिलिटी है कि किसी टॉपिक पे हम अच्छे आर्ग्यूमेंट बना सकते हैं, तो हमारा सिलेक्शन होने की प्रबल संभावना है, प्रबल, क्योंकि शॉर्ट नोट्स छोटा होता है जो छोटा बनाना भी चाहिए, ठीक है, कि मतलब इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए पूरे पेपर पर कि 6 से 7 घंटे में वो रिवाइज हो जाए, क्योंकि हम एक दिन पहले इतने ही टाइम के लिए पढ़ सकते हैं। तो अगर शॉर्ट नोट्स हैं और ये क्षमताएं जो जैसे स्पीड
अभ्यास से आएगी, फॉर्मेटिंग अभ्यास से आएगा, आंसर बनाने की क्षमता। जैसे हम टेस्टों में कई प्रश्न ऐसे देखेंगे जो हमसे सीधे नहीं बन रहे हैं, उनको बनाने का प्रयास करेंगे, तो ये अभ्यास से आएगा। अगर ये हम पर्याप्त प्रैक्टिस कर लेते हैं और शॉर्ट नोट्स हमारे पास हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सफलता की अधिकतम संभावना है। तो आप इस तरह से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करेंगे सभी पेपर्स के। हो सकता है फर्स्ट पेपर के आप ना करें, क्योंकि उसमें हमको पर्याप्त टाइम मिलता है, हम 3-4 दिन या 4-5 दिन जो आपको सुटेबल हो उस उतने पे उनको उस पर काम कर सकते हैं, पर और पेपर्स का बनाना जरूरी है। अब देखते हैं बाधाएं क्या है, किस पर, किस में, सिटीजन चार्टर में या नागरिक घोषणा पत्र में क्या बाधा है। ये कई बार औपचारिकता होती है, फॉर्मेलिटीज होती हैं कि ठीक है कहा है सरकार ने या ये मानक बनाया है कि आप अपना क्या दीजिए, नागरिक सिटीजन चार्टर या नागरिक घोषणा पत्र दीजिए, तो ठीक है हमने भी लागू कर दिया है, बना दिया है। वास्तविकता में इसे लागू करना कठिन होता है या वास्तविकता ये नहीं होती है, तो इस तरह की टेंडेंसी पूरे उद्देश्य को ही खत्म करती है, तो इस तरह की टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। लोगों में ज्ञान और जागरूकता की भी कमी है, लोग दबाव नहीं बनाते हैं, पूछते नहीं हैं, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं करते हैं कि कहां पर है आपका सिटीजन चार्टर और उसमें क्या क्या मानक है, हमको ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो जब यहाँ जब जनता प्रेशर ग्रुप के रूप में काम करेगी तो अपने आप ही चीज़ें सुधरेंगी, तो उसके बारे में नॉलेज और अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जो ये नॉलेज और अवेयरनेस जनता को प्रमोट करेगा कि वो सिटीजन चार्टर जैसी चीज़ों की मांग करे, उससे ये इम्प्लीमेंटेशन सुधरेगा। अविश्वास है, ठीक है, क्या है कि ठीक है इसमें लिख भी दिया गया है तब भी इस तरह की चीज़ें होनी नहीं है, तो जनता में इन सब डॉक्यूमेंटेशन या इन सब प्रोसेस के लिए अभी विश्वास नहीं बन पाया है, ठीक है। तो बार बार जब लागू करेंगे ज़्यादातर विभाग और इनको अच्छे से लागू करेगा तो जनता में ट्रस्ट भी बनेगा। पर्याप्त और प्रशिक्षित स्टाफ नहीं है, स्टाफ की बहुत कमी है और इन सब तरह के डॉक्यूमेंटेशन के लिए पर्याप्त स्टाफ चाहिए और उनको पर्याप्त ट्रेनिंग भी चाहिए। आज लगभग 50 पर सभी विभाग लगभग 50 और 50 से कम प्रतिशत पर काम कर रहे हैं, कुछ विभागों का तो पता है पर लगभग सभी, तो उस कंडीशन में आप इस तरह का सिस्टमेटिक काम, तो वो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो पर्याप्त और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी है, वैधानिकता नहीं है, इसको लीगल सपोर्ट नहीं है। अगर ये लीगल सपोर्ट होता तो पनिशमेंट मिलता, ठीक है, पनिशमेंट का दबाव रहता तो ये चीजें इंप्लीमेंट भी होती। अगला है सहभागिता, जनता की भी सहभागिता इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता जैसे हम बोलें सिविल सोसाइटी, ठीक है, जागरूक सक्रिय लोगों का समूह, तो ये मिलकर अगर बनाएगा सिटीजन चार्टर डिजाइन करेगा या लोग सहयोग करेंगे सिटीजन चार्टर डिज़ाइन करने में कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और सब परिस्थितियों क्षमताओं को देखकर डिज़ाइन होगा तो वो इम्प्लीमेंट भी होगा, तो ये सहभागिता भी बहुत ज़रूरी है। क्या सुझाव है, वही कि दंड और पुरस्कार की नीति अपनाइए ताकि पुरस्कार से मोटिवेट भी हो और दंड से थोड़ा भय भी पैदा हो ताकि सिटीजन चार्टर इम्प्लीमेंट हो। व्यवहारिक होना चाहिए, ना कि आदर्श कुछ तथ्य लिखे हों, व्यवहारिक होना चाहिए, चाहे धीरे धीरे अपग्रेडेड हो जाए, ठीक है, अपग्रेडेड हो जाए कि आप पहले कुछ वादा कीजिए और धीरे धीरे अपडेट कीजिए क्षमताओं को, पर अगर यहाँ इनिशियली जो कहा है वही लागू होने लगा तो ट्रस्ट बनेगा कि आगे जो चीज़ें हैं वो भी लागू होंगी, ठीक है। तो व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, निगरानी समूह होना चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रॉपर, जैसे मैंने कहा सिविल सोसाइटी का एक के सहयोग से या कुछ कुछ स्वैच्छिक या वॉलंटियर्स के माध्यम से इन सब सिटीजन चार्टर और उनका किस तरह से लागू हो रहा है, क्या उस पर कार्य हो रहा है, ये सब चीज़ें मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रेगुलर फीडबैक मिलेगा उससे,
फीडबैक मिलेगा, रिपोर्टिंग होगी, तो वो सही रहेगा। नियमित समीक्षा होनी चाहिए, कुछ अगर संशोधन है, कुछ जो परिस्थितियां बदल रही हैं उसके अनुसार अगर कुछ चीजें हैं तो इसमें संशोधन भी नियमित होना चाहिए। तो यहाँ सुझाव ही कंक्लूजन है, इसलिए अलग से कंक्लूजन लिखने की जरूरत नहीं है। तो देख लेते हैं समग्रता में एक बार क्या था। विशेषताएं पूछी थी, बाधाएं पूछी थी, हमने नागरिक घोषणा पत्र को डिफाइन किया क्योंकि उसी पर सवाल था, उसकी विशेषताएं बताई। विशेषताएं देखो, जैसे ये चीजें बोला जाता है कि एक ही चीज को लंबा खींचने की बजाय, जैसे हम लोग बोलते हैं कि डाइवर्सिफाई आंसर लिखिए, विविधतापूर्ण उत्तर लिखिए, तो विविधतापूर्ण का ये मतलब नहीं होता है कि उसने विशेषताएं पूछी और बाधाएं पूछी, ठीक है, विशेषताएं पूछी बाधाएं पूछी तो आप कुछ और चीजें महत्व लिखने लगे, ठीक है कि सर आपने कहा था विविधतापूर्ण उत्तर लिखिए तो मैंने फीचर्स और ऑब्स्टेकल्स या हर्डल्स के बीच में सिग्निफिकेंस भी लिखा, वो विविधता नहीं है। आप विशेषताओं में विविधतापूर्ण पूर्ण पॉइंट लिखिए कि स्ट्रक्चरल क्या प्रॉब्लम है ना, संरचना कैसी क्या दिक्कत है, रिसोर्सेज की क्या दिक्कत है, प्रक्रिया की क्या दिक्कत है, लीगलिटी की क्या दिक्कत, तो इस तरह से डाइवर्सिफाई कीजिए अलग अलग डोमेन में, जोन में, क्षेत्र में, तो ये डाइवर्सिफिकेशन की रिक्वायर्ड है। तो यह विशेषताएं बताई, फिर यहां पर हर्डल्स बताए और फिर सुझाव दिए, ठीक। इनको अगर हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन भी ज़्यादा बड़े उसमें नहीं, जैसे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में, ज़्यादातर देखो ये आप सिस्टम बनाइए कि 5 मार्कर में तो हमको एक लाइन का ही पॉइंट बनाना है, मतलब ऐसा आप अभ्यास कीजिए कि अपनी चीज़ों को प्रभावी लेकिन संक्षेप में, इफेक्टिव बट शॉर्ट में लिखने का प्रयास कीजिए, तो आप शॉर्ट में, तो इस तरह से एक एक आपको अभ्यास करोगे एक एक लाइन में ही पॉइंट खत्म करने का, तो चाहे कुछ पॉइंट 2-3 लाइन में आ जाए तो भी आप बढ़िया 7-8 पॉइंट्स दे पाओगे 5 मार्कर में, उसी स्पेस में जो हमारी कॉम्पिटेंस को बढ़ाएगा, जो औरों से थोड़ा ज्यादा नंबर लाने के लिए हमको प्रेरित करेगा, या मतलब हमारी दावेदारी प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो शॉर्ट में इनको समझाएंगे तो पूरा उत्तर बनेगा। अब आता है दूसरा सवाल, सवाल है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स यूटिलिटी इन गवर्नेंस, सांवेगिक बुद्धि की अवधारणा को समझाते हुए शासन में इसकी उपयोगिता को समझाइए, ठीक है। ये एज इट इज मैंने टेस्ट से लिए हैं, ये डिस्कशन अब होना था संडे को। तो क्या है मेन थीम, क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस, इस पर सवाल है, ये मेन थीम है, तो बिल्कुल समझाने लायक कॉन्सेप्ट है, तो हम इंट्रोडक्शन में इसको समझाएंगे। देखो अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट ऐसा है कि उसकी डेफिनेशन लिखना डिजायरेबल है या लिखना चाहिए, तो बिल्कुल आप उसे परिभाषित कीजिए इंट्रोडक्शन में, उसको डिफाइन कीजिए। फिर उन्होंने पूछा है कि शासन में इसकी उपयोगिता को समझाइए, ठीक है, यूटिलिटी इन गवर्नेंस, तो इसकी अवधारणा को समझाना है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है इस पर हम सीधा बात करेंगे। देखो ये मेरा मानना है कि आप वर्ड शब्द पकड़िए, जैसे हमने वहां पकड़ा था कि सिटीजन चार्टर क्या है, एक दस्तावेज है, ये क्या है इमोशनल इंटेलिजेंस, एक क्षमता है, ठीक है, ये कैपेबिलिटी है, किस बात की, अपने और दूसरों की भावनाओं को समझने, उनका आकलन, प्रबंधन तथा नियंत्रण, असेसिंग मैनेजिंग एंड कंट्रोल, असेसिंग या आकलन, ठीक है। तो क्या आकलन मतलब जानना कि किस तरह की है, कैसी भावना है, मैनेजिंग मतलब उनका प्रबंधन होता है कि इस पीच पर जा रही थी पर तो थोड़ा इस पीच पर मैनेज किया, ठीक है, कि मान लो
इमोशनल है, हाई इमोशनल है, बट इमोशनल को गलत डायरेक्शन में ना भेजकर उसको राइट डायरेक्शन में, ताकि बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। ठीक है, इमोशनल भाई, इमोशंस शरीर को हाइपर करते हैं, एक्टिव करते हैं। ठीक है, तो इमोशन से शरीर हाइपर एक्टिव है या शरीर बहुत एक्टिव है, व्यक्ति बहुत एक्टिव है। तो अब ये कुछ नेगेटिव करने की बजाय इसको चैनलाइज करना पॉजिटिव में, ताकि अच्छा रिजल्ट आए। तो इसलिए है मैनेजिंग, उसको मैनेज करता है, और अगर जरूरत पड़े तो कंट्रोल की नियंत्रण भी करता है। ठीक है, मैनेज करता है और जरूरत पड़े तो उसको क्या करता है, नियंत्रण भी करता है। क्यों, इन सब से क्या होगा, इन सब से ये आएगा कि बेस्ट रिजल्ट आएगा उस प्रोसेस का। जैसे मान लो कहीं भी ऐसा हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है तो वो सिचुएशन को इस तरह से हैंडल करेगा कि उसका बेस्ट रिजल्ट आए। ठीक, तो क्या है, एक कैपेबिलिटी है किस बात की, असेसिंग मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग वंस ऑन एंड अदर्स इमोशंस, के खुद के और दूसरों के, खुद के भी और दूसरों के भी, दूसरों की इमोशंस हमने समझे, ठीक है, उनको मैनेज किया, उनको अगर जरूरत पड़ी तो कुछ ऐसी चीजें की जिससे कंट्रोल भी हो, ठीक है, और बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट डिसीजन आए। अब चूंकि उन्होंने कहा था कि इसी को समझाना है, अवधारणा को या कॉन्सेप्ट को समझाना है, तो हम और आगे बढ़ेंगे, केवल इंट्रोडक्शन नहीं दें, और आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ने में सिंपल है, इसके घटक देखो, एक चीज हम यहां ऐसे डिस्कस करते हैं कि अगर सवाल दो पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी, जैसे यहां पर हम देखते हैं दो, कैसे, अवधारणा को, कॉन्सेप्ट को समझाना है और शासन में उसकी उपयोगिता समझानी है, ठीक है, ए और बी। तो अगर दोनों पार्ट बराबर जैसे हैं, दोनों पार्ट, ठीक है, तो हम लगभग बराबर स्पेस यूज करें दोनों को, या दोनों को एड्रेस करें। जैसे अगर दो पेज हैं तो हम एक एक पेज में लिखें, ठीक है। अगर दो पार्ट हैं पर पहला पार्ट ऐसा है कि उतना खींचा नहीं जा सकता, ठीक है, जैसे मान लो क्वांटम कंप्यूटर क्या है, है ना, या क्रिप्टो या ब्लॉक टेक्नोलॉजी क्या है, इसका महत्व बताइए, या बायोटेक्नोलॉजी क्या है, इसका महत्व बताइए। तो ऑब्वियसली महत्व या बायोटेक्नोलॉजी और इट्स सिग्निफिकेंस, तो सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा ब्रॉडर एरिया कवर करता है। तो हमको यहाँ ऐसा नहीं कि लकीर के फकीर हो गए कि नहीं, ये दो पार्ट में पूछा है और हमको एक एक पेज लिखना है, तो उसमें क्या होगा कि बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम एक पेज में खींचने का प्रयास करेंगे तो हमारा कंटेंट डाइल्यूट हो जाएगा। कंटेंट डाइल्यूट हो जाएगा मतलब कुछ भी लिखेंगे हम सिर्फ लिखने के हिसाब से, फॉर सेक ऑफ राइटिंग वी कंटिन्यूस राइटिंग, ठीक है, तो उससे पॉइंट हमारे अच्छे पॉइंट नहीं रहेंगे। तो बहुत लंबा खींचने में और बाद में नेगेटिविटी क्रिएट करने की बजाय कम पॉइंट में खत्म करें। तो ये टॉपिक देखने, ये सवाल पर डिपेंड करेगा, टॉपिक पर डिपेंड करेगा कि हमको किस अनुपात में जमाना है। जैसे ये वाला जो प्रश्न है, इसमें है शासन में इसकी उपयोगिता, यूटिलिटी इन गवर्नेंस, तो बिल्कुल एक पेज में लिखा जा सकता है, और इसकी अवधारणा, तो ये भी अवधारणा में चूंकि इसके कंपोनेंट भी हैं तो ये भी एक पेज में लिखा जा सकता है, तो यहां बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता था। कंपोनेंट में आत्म जागरूकता, खुद को जानना, आत्मनियमन, खुद का नियंत्रण, प्रेरणा, मोटिवेशन है, समानुभूति, एम्पैथी, पुटिंग आवर ओन शूज इन हिज और हर लेग, मतलब हम उसकी भावनाओं को उसके स्तर पर ही जाकर समझ रहे हैं, सामाजिक कौशल, है ना, सोशल स्किल्स। तो इन पांचों कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और इक्वेशन और हमने डेफिनेशन देख ही लिए, तो इससे आधा पार्ट कंप्लीट होगा हमारे आंसर का। अब है शासन में उपयोगिता, इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या है, निर्णयन। देखो कुछ चीजों में हमने इसको तोड़ा है कि डिसीजन मेकिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है स्टेक होल्डर्स, कि सभी हितधारकों को शामिल करना, मतलब कोई नीति बना रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, तो सभी स्टेक होल्डर्स एड्रेस किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, सभी का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। ये सटीकता और बेहतर समझ, एक्यूरेसी और बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि हम चीज़ों को
इमोशनल इंटेलिजेंस और अगर क्षमता है किसी में, वो चीजों को रियल में फील करेगा, रियल में समझेगा। तो सटीकता और बेहतर समझ के लिए है, पूरे शासन तंत्र को, पूरे गवर्नेंस सिस्टम को कोऑर्डिनेट कर एक लक्ष्य पर आगे बढ़ाना। तो ये उनकी ये भी क्षमता इमोशनल इंटेलिजेंस से युक्त स्टाफ और ब्यूरोक्रेसी और कर्मचारियों में, अगर लीडर्स में इस तरह की क्षमताएं हैं तो वो ये सफल करेंगे कि पूरे रिसोर्सेज संगठित होकर एक जो सबसे बड़ा गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, ड्राइविंग गवर्नेंस टुगेदर टुवर्ड्स ए गोल, कि पूरे गवर्नमेंट सिस्टम, पूरे गवर्नेंस को एक गोल के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रशासक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रशासक एक डेवलपमेंट एजेंट है, डेवलपमेंट मतलब ये जनता और गवर्नमेंट के बीच में लिंक है, फीडबैक का काम करता है। तो क्या होगा यहाँ पर है, ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्वेंट इनकी बातों को बहुत अच्छे से समझेगा, इनकी विचारधारा, इनकी नीतियाँ, इनकी उद्देश्यों को बहुत अच्छे से समझेगा और दोनों में हारमोनी स्थापित करेगा। तो फाइनली क्या कि जो वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य है उसकी अवधारणा, जैसा बोला ना, सभी मिलकर एक गोल की ओर आगे बढ़ेंगे तो वो सफल हो पाएगा। ठीक है, मूल्यात्मक शासन की वैल्यूड गवर्नेंस, मतलब मूल्य से युक्त शासन बनेगा, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा, कोई भी माल प्रैक्टिसेस नहीं होगी, कोई भी इस तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। तो देखते हैं क्या क्या लिखा है, निर्णय में लिखा है समग्र रूप से निर्णय, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ना। अब जैसे इसको हिंदी में तो समग्र निर्णय कहा है, लेकिन इंग्लिश में बहुत सही लगता है लिखने में, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, कि इन्फॉर्म्ड होता है, सभी तथ्य हमारे पास हैं। जैसे आरटीआई का उद्देश्य था ना, इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनाना, ऐसा सिटीजन जिसके पास सभी सूचनाएं हैं, तो वो सभी चीजों पे तर्कपूर्ण और बहुत अच्छे से बात कर सकता है। ठीक है, वो सभी जो नीतियां हैं, जो कोई एक्शन लिया गया है, उसके पक्ष और विपक्ष पर बहुत अच्छे से विचार विमर्श कर सकता है। तो इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ ही पार्ट पे, कुछ ही चीजें जानकर डिसीजन लिया गया, ऐसा डिसीजन पार्शियल होता है, एक तरफा होता है, या कॉम्पिटेंट डिसीजन नहीं होता है, प्रतिस्पर्धी निर्णय या उसका प्रभाव ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, नैतिक निर्णय लेंगे। ठीक है, मॉरलिटी या मॉरल डिसीजन या नैतिकता का उसमें ध्यान रखा जाएगा। द्वंद्वात्मक, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी डिलेमास हैं, ठीक है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका समाधान किया जाए। कई निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें निर्णय लेना ही बहुत बड़ा एक निर्णय है, कि निर्णय लेना है या नहीं लेना है। तो उस तरह के जो द्वंद्वात्मक परिस्थितियां हैं, जो दो विरोधी पक्ष हैं या जो दो इस तरह की स्थिति है, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत काम करता है। तत्काल निर्णय लेना हो, अगर तुरंत निर्णय लेना हो, ठीक है, कोई सलाह मशवरा का टाइम नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने इस पर पहले इस सिचुएशन में क्या निर्णय लिया था, ये सब देखने का टाइम नहीं है, तो भी इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन इसमें अच्छा करेगा। सभी हितधारकों का ध्यान रखते हैं इसमें, ठीक है, इसमें हमने ये तो देख ही लिया था, सभी हितधारकों का ध्यान रखते हैं, यानी जो विभिन्न दबाव समूह हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। आपकी टर्मिनोलॉजी का शॉर्ट नोट्स बनाइए और उनको बार बार यूज करने का प्रयास कीजिए। आप शॉर्ट नोट्स बनाते समय ही जब की टर्मिनोलॉजी लिख रहे हैं, तभी ध्यान रहे कि ये कहाँ पर यूज करना है या कहाँ पर उपयोगी होगा, ये बिल्कुल चीजें ध्यान में रखनी है आपको, ठीक है, क्योंकि वही सबसे सही तैयारी है, या वही तैयारी की दिशा कम समय में सफलता दिला सकती है, जिसमें हम मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम इम्पैक्ट कर सकें। यानी कि हमारे पास बहुत कम कंटेंट है, लेकिन उसको हम इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा आंसर बन रहा है, ये हमको यूज़ करना है। तो प्रेशर ग्रुप, इस तरह के शब्द हमको कैरी करने हैं। सटीकता और बेहतर, भावनात्मक रूप से उत्पादक, इमोशनली प्रोडक्टिवली
है ना, इमोशनल प्रोडक्टिवली या इमोशनल प्रोडक्टिविटी होगी कि भाई ज़्यादातर इमोशनली ऐसा, जैसे कई सलाह देने वाले, कई मोटिवेटर ये बताते हैं कि जब आप इमोशनली आई हैं तो डिसीजन मत लीजिए, ठीक है, वो बोला भी जाता है ऐसा, पर ये आपको अगर इमोशनल है तब भी आपको राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करके और डिसीजन लेगा। और ये भी है, अगर इमोशनली डिसीजन निर्णय अगर भावना के साथ जुड़ा हुआ है तो उस पर प्रयास भी बहुत ज़्यादा होंगे और सफलता के संभावना भी ज़्यादा है। पूर्व उदाहरण नहीं होना, अगर कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई पहले उदाहरण ऐसा नहीं हुआ है, तब भी इमोशनल इंटेलिजेंस के आधार पर आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं। शासन का हो गया, ये हो गया कि जनता और सरकार के बीच में ये लिंक एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। अगर मूल्यात्मक शासन होता है इससे, जिससे ऐसी इस तरह की कार्य संस्कृति बनती है, ठीक है, इस तरह की कार्य संस्कृति बनती है कि उसमें जनता और सहयोगी की इमोशनल इंटेलिजेंस से अगर लीडर्स या बड़े अधिकारी इस तरह की क्षमता से युक्त हैं तो वो इस तरह का वर्किंग माहौल बनाते हैं, इस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट बनाते हैं कि अपने सहयोगी भी बहुत अच्छे से कनेक्ट होकर काम करते हैं, खूब इफिशेंसी से, खूब प्रोडक्टिविटी से काम करते हैं और जनता भी पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पे, तो इसका ओवरऑल देख लेते हैं। ओवरऑल क्या है कि सवाल था इमोशनल इंटेलिजेंस पर, हमने डिफाइन किया, ठीक है। देखो सॉल्यूशंस में ज़्यादातर, जैसे सॉल्यूशन हमने भी इसका दिया है, सॉल्यूशन में ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो बड़ा भी होता है, वो जो उत्तर होता है या जो वो कंटेंट होता है वो इस उद्देश्य से भी दिया जाता है कि आपको एक जगह उस टॉपिक से संबंधित सभी टर्मिनोलॉजी और की कॉन्सेप्ट मिल जाए, पर और वो डिज़ाइंड भी उस तरह से नहीं होता है। और मैंने देखा है, पता नहीं उसका, या तो लोग, या तो बच्चे सॉल्यूशन को कॉपी कर रहे हैं या उसके आधार पर लिख रहे हैं कि अगर थोड़ा सा घुमावदार प्रश्न हो, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है। जैसे मैंने बोला था कि हाँ, एक हमारे प्रश्न का ही, मैं प्रश्न का ही उदाहरण देता हूं कि एक प्रश्न था कि चाणक्य यथार्थवादी थे या आदर्शवादी थे, ठीक है, चाणक्य एक आइडियलिस्टिक थे कि रियलिस्टिक थे, इस तरह का प्रश्न हम लोगों ने पूछा था। तो बच्चों ने ज्यादातर क्या किया कि चाणक्य का कंटेंट क्या याद है हमको, कि सप्तांग सिद्धांत याद है, मंडल थ्योरी, ये सब सिद्धांत याद है, बस उसको डंप करके आ गए। अब आप देखें कि आदर्शवादी हैं कि यथार्थवादी हैं, हमको तो चाणक्य पे ये याद आ रहा है, ये कंटेंट हमने पढ़ा है, जैसे ही सवाल आया माइंड ने सर्च किया, हमको ये कंटेंट मिला, हम छाप के आ गए। और फिर बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सर सब तो लिखा है इसमें, सप्तांग भी लिखा है, ये भी लिखा है, मंडल भी लिखा है, ये लिखा, फिर भी आपने नंबर नहीं दिए। तो उस कर, मैं ये मानता हूँ कंटेंट वही रहेगा, थोड़ी हम चाणक्य पे अब नई रिसर्च कर देंगे या ऐसे कुछ खोजो तो जानो टाइप फैक्ट ले आएंगे आपके सामने की उनका यूज करने पर बल देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। पर इसको जो ये कंटेंट है, इसको क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार अरेंज कीजिए, ठीक है, इसको उस तरह के उत्तर में ढालिए, तो ये आपको उसमें करना है। और मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो बच्चे खूब क्लेम करते रहते हैं कि सर इतने कम नंबर हैं, सर यहाँ पर ये नंबर ही नहीं दिए, जबकि देखो मैंने पूरा तो लिखा है, पर उस तरह से ढाला नहीं है। जब उनको ये चीज़ें समझाते हैं कि ये इस तरह से आना चाहिए था, तब वो मानते हैं, फिर भी कुछ तो ये मानते हैं कि कम तो दिए ही हैं इस तरह। तो हम यहाँ पर हमारा उद्देश्य है कि भाई प्रॉपर जितना हम आंसर को सुधार सकें, जितना क्वेश्चन के इनलाइन कर सकें उतना ठीक है। और आप किसी से भी पूछिए, चाहे तो आपके मेंटर से, चाहे सेलेक्टर से, जिससे भी पूछिए, जिनका सिलेक्शन हुआ है उनसे पूछिए, पहली आवश्यकता है प्रश्न की डिमांड समझना। अगर हमने प्रश्न की डिमांड नहीं समझी तो चाहे हमने कुछ भी लिख के आए हों, कितना भी लिखा हो, कितना भी बढ़िया प्रेजेंटेशन हो, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आप उसको उसी फॉर्मेट में दीजिए। तो हमने यह सांवेगी बुद्धिमत्ता को डिफाइन किया, उसके कंपोनेंट लिखे, फिर शासन में इसकी उपयोगिता और पॉइंटों को डाइवर्सिफाई करने का प्रयास किया, ठीक है।
अब इन सब सवालों में निष्कर्ष कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी अगर आप लिखें तो आप लिख सकते हैं कि इन्हीं सब या डिसीजन या इमोशनल इंटेलिजेंस और इन सब मूल्यों से मूल्यों को अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो गुड गवर्नेंस या सुशासन जैसी दशा उत्पन्न हो सकती है या सुशासन को प्राप्त किया जा सकता है। अगला सवाल अपन देखते हैं, द बेसिक क्वालिटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज इंटीग्रिटी, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल लाइफ। ठीक है, सवाल है कि सत्यनिष्ठा क्या है। सत्यनिष्ठा प्रशासन का मूल गुण है। प्रशासन के संदर्भ में और व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठा के महत्व को बताइए। ठीक है, अब इसमें इस तरह के प्रश्नों में क्या आता है, इस तरह के प्रश्न में बच्चे ये सोचते हैं कि सर जो ये जनहित में जारी स्टेटमेंट है, क्या ये तो पूछा ही नहीं है उसने कि लोक प्रशासन का मूल गुण सत्यनिष्ठा है, ये सर ज्ञान दिया है। ठीक है, ये आदर्श वाक्य है या ज्ञान दिया है, हमसे पूछा तो ये है सर। प्रशासन के संदर्भ में एक तो प्रशासन नोट कर लिया और एक व्यक्तिगत जीवन में ये नोट कर लिया, इसमें महत्व तो बताना है। तो कई बार ये दिक्कत हो जाती है, दिक्कत दोनों तरह से होती है। कई लोग मान लेते हैं कि ये भी है तो इसी पे बहुत लंबा लिख देते हैं, इसी पर एक पेज ले जाते हैं कि प्रशासन की सत्यनिष्ठा प्रशासन का मूल गुण है, बेसिक फीचर है या बेसिक क्वालिटी है या बेसिक क्वालिटी है। ठीक है ना, तो इस पे ले जाते हैं, तो इस तरह का नहीं। पर हाँ ये भी है कि इस संदर्भ से सवाल को अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस पर भी आपको थोड़ा बहुत स्टार्ट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत एक रेफरेंस में इसको लेना पड़ेगा, ये एक तरह से रेफरेंस है, तो इसको भी आपको थोड़ा बहुत तो एड्रेस करना पड़ेगा। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन लिखा है, उसमें सत्यनिष्ठा समझाइए। ठीक है, फिर लिखा है कि प्रशासन का मूल गुण है, ये बहुत शॉर्ट में समझाया एक लाइन में, तो मतलब लगभग ये दोनों चीजें आधे पेज में खत्म होनी चाहिए। ठीक है, फिर दो चीजों को एड्रेस किया है जो इन्होंने पूछा है कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा है ना, इंटीग्रिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, और व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठा इन पर्सनल लाइफ। ठीक है, ये दोनों चीजें इसमें समझाई है। ठीक, देखते हैं समझते हैं क्या पॉइंट है। पॉइंट है कि अब वो उसी कॉन्सेप्ट पे, देखो अब इस तरह की आप आदत बना लो, जैसे वो जो एक वर्ड पकड़ने वाली आदत है, क्या पकड़ा है इसमें कि क्षमता है, ये भी जैसे उसमें भी कैपेबिलिटी, सत्यनिष्ठा एक कैपेबिलिटी है, एक क्वालिटी है, एबिलिटी है, किस बात की, टू रिमेन कमिटेड एंड कंसिस्टेंट विद योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज, कि आप अपने व्यक्तिगत और व्यवसाय मूल्यों के अनुरूप प्रतिबद्ध के अनुरूप और प्रतिबद्ध बने रहते हैं। कहने का मतलब सिर्फ इतना कि आप ये ऐसी एबिलिटी है, ऐसी क्षमता है कि आप अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक दोनों मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध, डेडिकेटेड, और उन्हें किसी भी दशा में पालन करते ही करते हैं, के प्रति के अनुरूप एवं प्रतिबद्ध बने रहते हैं, कमिटेड बने रहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने प्रोफेशनल और पर्सनल वैल्यूज को हर स्थिति में इम्प्लीमेंट करते हैं, आप उन्हें छोड़ते नहीं हैं। जैसे गांधी जी का कथन है ना, बड़े भय और बड़े लालच के सामने धर्म विहीन नैतिकता कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, मतलब अगर नैतिकता धर्म पर आधारित नहीं है तो वह झुक जाती है, कमजोर पड़ जाती है, बहुत बड़ा लालच दिया जाए या बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो। तो ये सत्यनिष्ठा ऐसी क्षमता को दर्शाता है कि आप हर हालत में उन मूल्यों का पालन करोगे ही करोगे, चाहे कुछ हो जाए। जैसे कुछ अधिकारी होते हैं ना, चाहे कुछ भी, कितना भी बड़ा प्रलोभन दो, कुछ भी कर लो, वो अपने मूल्यों का पालन करेंगे, वो अपनी ड्यूटीज फॉलो करेंगे।
ठीक है। तो ये वो क्षमता दिखाती है किस तरह के मूल्य, किस तरह की ड्यूटीज, किस तरह के तो मानवता के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, नैतिक बने रहेंगे, कुछ भी हो जाए, जो आचरण संहिता है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो कोड ऑफ एथिक्स है, उनको लागू करेंगे, कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के मूल्यों के प्रति वो प्रतिबद्ध बने रहते हैं। कैसे परख होती है? विपरीत परिस्थितियों में, एडवर्सिटी में इनकी परख होती है। जब संकट का समय होता है तो ऐसे व्यक्तियों की जांच होती है। ध्यान रहे, सत्यनिष्ठा सत्य नहीं है। सत्यनिष्ठा हमने क्या बोला कि एक क्षमता है, ये व्यवहार में लागू करने का एक ट्रेट है, एक गुण है, एक क्षमता है। जबकि सत्य क्या है? एक आइडियल है, एक आदर्श है, ठीक है। कि सत्य मतलब आदर्श मूल्य कि यार हाँ, सत्य का पालन करना चाहिए, पर पालन होना वाला गुण ये सत्यनिष्ठा है कि किसी व्यक्ति में सत्य बने रहने या सत्य का हर स्थिति में पालन करने का अगर गुण है, क्षमता है, तो वह सत्यनिष्ठा है। तो यहाँ हमने बोला कि इसको व्यवहार में लागू करना, तो सत्य प्लस व्यवहार इज इक्वल टू सत्यनिष्ठा। इंटीग्रिटी इज ट्रूथ एंड बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमने सत्यनिष्ठा को समझाया। अब जो बोला था मूल गुण है, हाँ भाई, उस पर भी थोड़ा लिखा कि नैतिक, कि सिविल सर्वेंट कैसे होने चाहिए? एथिकल होने चाहिए, नैतिक होने चाहिए, जनकल्याण उनका काम है। तो बिल्कुल प्रशासन का तो ये इंटीग्रिटी होना बहुत जरूरी है प्रशासन में। और क्या कि विश्वसनीयता, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, विश्वसनीयता सीधे समानुपाती है किसके? सत्यनिष्ठा के, ठीक है। क्रेडिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रिटी। क्यों? अगर कोई बहुत, जैसे मैंने कहा ना कि अब बहुत चैलेंजिंग काम होते हैं प्रशासन में या गवर्नमेंट में, बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होते हैं, तो सबसे कुशल, सबसे ऑनेस्ट, सबसे जिनमें इंटीग्रिटी की मिसाल कायम की हो या ऐसा इनकी पृष्ठभूमि रही हो, वैसे अधिकारियों को मौका दिया जाता है, उनसे निवेदन किया जाता है कि आप इस कार्य को करें। तो क्योंकि उनके प्रति विश्वसनीयता है कि वो इसको कर जाएगा, वो इस पर परफॉर्म कर जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा कष्ट आए, कितना भी बड़ा दिक्कत आए, वह झुकेगा नहीं, उसमें करेज है, साहस है, और वह इस काम को कर जाएगा, ठीक है। तो इसलिए प्रशासन का मूल गुण है ये। तो ये अपन ने बहुत शॉर्ट में डिफाइन किया, हालांकि बोर्ड में ज़्यादा भरने में आ गया, पर उसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं, वो आधे पेज तक सीमित रहना चाहिए। अब प्रशासन में सत्यनिष्ठा, तो क्या होगा प्रशासन में सत्यनिष्ठा से? प्रशासन में सत्यनिष्ठा तो एक विवेकशील प्रशासन का निर्माण होगा, ठीक है। कॉन्साइंस या एक विवेकशील, मतलब निर्णय अपने विवेक से लें, अपने अंतरात्मा से लें। जैसे मान लो मंदसौर किसान गोलीकांड, ये एग्जांपल ऐसे कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि एक निहत्ते है ना, और शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, और आपके अधिकारी ने आपको डिसीजन दी, आपको कहा कि भाई इन पे गोली चलानी है, और आप भाई एज ए ऑर्डर, एज ए मतलब हायरार्की, तो आपको मानना चाहिए, लेकिन आपनी अंतरात्मा से निर्णय लेंगे कि यार निहत्ते हैं, शांतिपूर्ण चीज़ें चल रही हैं, कहीं भी कोई भय और खतरा जैसा नहीं है, तो फिर गोली क्यों चलाएं? तो आप इंटीग्रिटी को चलते आप मना कर सकते हैं, डिसोबे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इंटीग्रिटी का ये है, और डिसिप्लिन का क्या था कि नहीं, बिल्कुल अधिकारी ने कहा है, तो डिसिप्लिन वर्सेज इंटीग्रिटी, अनुशासन बनाम सत्यनिष्ठा का उदाहरण, जैसे कि वो तो अगर अनुशासित है, और मतलब जैसे फौज में अनुशासन होता है और उस तरह का, बिल्कुल चलाएंगे, ठीक है, मतलब चलानी चाहिए। और अगर कोई इंटीग्रेटेड इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति है, वो देखेगा, खुद का मूल्यांकन करेगा, इसे समझाने के लिए बोला जा रहा है, तो क्या होगा? तो वह मत चलाने से मना कर देगा कि नहीं, यहाँ कोई खतरा अभी लग नहीं रहा है, तो मैं क्यों अपने सिटीजन्स पे ऐसा करूँ। दूसरा, सामाजिक भलाई, सोशल गुड्स, कि भाई इंटीग्रिटी वाला ही व्यक्ति सभी लोगों का हित सोच सकता है, समाज में सुख या खुशी या समृद्धि को बढ़ा सकता है, या सभी लोगों के हित में सोच सकता है,
क्यों होना चाहिए इंटीग्रिटी का? क्योंकि प्रशासकों को बहुत ज्यादा शक्तियां और उनके अकाउंटेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो वो इन शक्तियों, वो अकाउंटेबल रहकर, जवाबदेही बनकर इन शक्तियों का सही दिशा में उपयोग करें ताकि सोशल गुड्स या सामाजिक सद्भाव या सामाजिक भलाई बढ़े। ठीक है, भ्रष्टाचार जैसे जो मेल प्रैक्टिसेस हैं, जो गलत तरीके हैं, उन सब पर नियंत्रण होगा, गलत निर्णय लेने से बचेंगे, क्योंकि रॉन्ग डिसीजन या गलत निर्णय व्यापक रूप से प्रभावित करता है समुदाय को। तो इस तरह के निर्णय, इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति प्रशासक इस तरह के निर्णय लेने से बचेगा। विकास एजेंट, ये टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि चूंकि उनके ऊपर दायित्व तो बहुत ज्यादा होता है, उनका प्रभाव लोगों पर व्यापक पड़ता है, तो इसलिए इन प्रशासकों में इंटीग्रिटी होना जरूरी है। सार्वजनिक संसाधन, जो पब्लिक रिसोर्सेज हैं, उनका सही से यूज करेगा, उपयोग करेगा, उनकी बर्बादी बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, सुशासन के लिए जरूरी है इंटीग्रिटी वाला। हम यही तो पढ़ रहे हैं कि प्रशासन में सत्यनिष्ठा का महत्व क्या है, तो उससे सुशासन के लिए एक आवश्यक तत्व है। व्यक्तिगत जीवन में क्या है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। ठीक है, इसको प्रश्न के रूप में भी आप तैयार कर सकते हैं, या एटलीस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग तो कर ही सकते हैं कि अगर ये आया तो मैं क्या लिखूंगा। सत्यनिष्ठा सफलता का बीज है। ठीक है, इंटीग्रिटी इज द सीड ऑफ सक्सेस, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने मूल्यों का पालन कर रहा है, प्रतिबद्ध है उनके प्रति, निरंतरता है, तो सफलता मिलनी ही मिलनी है, और बड़ी सफलता मिलेगी। सही काम करने का साहस मिलता है। इंटीग्रिटी वाला व्यक्ति लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में नहीं होता है, उसे डर नहीं होता है, वह हर कंडीशन में आगे बढ़ता है, काम करता है, क्योंकि उसको पता है कि वह उसके मूल्यों का पालन कर रहा है। यह स्थिर मूल्य है, यह स्थिर मूल्य है, इस जो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन और व्यक्तिगत लाइफ, अपने जीवन को का उन्नयन करता है। ठीक है, लाइफ का एनहेंसमेंट करता है, आंतरिक शांति और सुख खुशी देता है, क्षमता निर्माण करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। यह व्यक्ति में सोचने, समझने, बड़े निर्णय लेने की क्षमता पैदा करता है। आत्मविश्वास से ऐसा व्यक्ति ओतप्रोत होता है, वह बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि कितनी भी बड़ी चैलेंज आए वह उनका सामना करेगा। व्यक्ति प्रतिष्ठा, जैसे हमने कहा था ना उसमें कि कठिन काम आएंगे तो ऐसे व्यक्तियों को ढूंढा जाएगा जो इंटीग्रिटी से युक्त हो। संतुलित व्यक्तित्व बनता है, बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत लाइफ में हो गया, ये प्रशासनिक लाइफ में हो गया, ये ओवरऑल था। इसका देख ले अपन, इसमें पूछा था कि सत्यनिष्ठा प्रशासन का मूल गुण है सत्यनिष्ठा। ठीक है, ये कथन दिया था, और प्रशासन के संदर्भ और व्यक्तिगत जीवन में इसे बताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेन क्वालिटी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है, तो हमने इंटीग्रिटी को डिफाइन किया, एक इक्वेशन बनाने का प्रयास किया जिससे ट्रुथ और इंटीग्रिटी में रिलेशन पता चल जाए। ठीक है, फिर बताया कि कैसे ये एक मेन क्वालिटी है या बेसिक क्वालिटी है, क्योंकि एथिकल, एक विश्वसनीयता चाहिए, नैतिकता चाहिए, ये बताया। फिर प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में इंटीग्रिटी का महत्व बताया, और फिर पर्सनल लाइफ में बताया। आप चाहें तो कंक्लूड भी कर सकते हैं, वैसे पॉजिटिव चीज़ें चल रही थी तो कंक्लूजन का इतना ज़रूरी नहीं है, पर आप चाहें तो कर भी सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी दे सकते हैं APJ साहब और इन सब के। तो इस तरह का एग्जाम्पल देकर आप कि उन्होंने व्यक्तिगत लाइफ में भी इंटीग्रिटी दिखाई और जब प्रशासन में आए तब भी इंटीग्रिटी दिखाई, कई मूल्यों, कई बिलों पर, कई कानूनों पर, कई विधेयकों पर बहुत अच्छे फीडबैक दिए और उन पर रिपोर्ट्स मांगी। इस तरह के एग्जाम्पल के साथ भी इसे खत्म, इसे आप एंड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। बाकी पेपर बहुत बड़ा है, अभी दो केस स्टडीज़ हैं और छोटे प्रश्न हैं, ये सब चूँकि यहाँ वीडियो लंबा होगा वो सब आप एप्लीकेशन पर विदाउट एनी कॉस्ट देख सकते हैं, पर वो एप्लीकेशन पर हम अपलोड करेंगे, तो वो जाकर आप एप्लीकेशन पर पूरा डिस्कशन, पूरा सॉल्यूशन सुन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।